आज के धरने के बारे में बताइए। मैं वंदना चतुर्वेदी और मेरी महिला साथी इसलिए आए, रोड पर उतर आए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है मोदी सरकार में। महिलाओं के साथ इन्होंने अत्याचार पे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी में आपने देवरिया कांड सुना हुआ, उससे पहले मुजफ्फरनगर कांड, मुजफ्फरनगर से देवरिया में कांड हुआ। इन्हीं की मंत्री, इन्हीं के प्रदेश केंद्र सरकार के मंत्री की बहन निकली वो, और उन्होंने बिंद माँ बिंदवासिनी नाम से सभासिनी जगह खोल रखा था, वहाँ चकला घर चलाती थी। 16 महिलाएं गायब मिली हैं, क्या अभी तक बरामद नहीं हुई? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि महिलाओं को बरामद करवाए? प्रतापगढ़ में 2 सभासिनी गिरे हैं, वहाँ से 28 महिला गायब हुई। हरदोई में सभासिनी गिरे से 14 महिलाएं गायब हुई। 3 महिलाएं आपका यहाँ से गायब हुई है, नारी प्रयाग नारायण गृह से जांचें दबा दी जा रही हैं। सफेद पोष लोगों के चक्कर में महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को बिहार की महिला की तर्ज पर, बिहार महिला कल्याण मंत्री की तर्ज पर यूपी में रीता जोशी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो घरों में बैठी हैं, जांच तक करने नहीं गई। बीजेपी ने जो दावा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे आगे बीजेपी सरकार कुछ नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जो है विफल नजर आ रही है, इस पे क्या कहना आपको? अब की बार महिलाएं बता देंगी आगे चुनाव में हैं? अभी तो बहुत चंद महिलाएं हैं हमारे साथ, आगे अगर महिलाओं की सम्मान अगर बरामदगी नहीं हुई लड़कियों की, तो इनके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे बीजेपी वालों के ऊपर। मैं ठोकूंगी बैठ के कोर्ट द्वारा, और जो है इन लोगों को ना को चने चबा देंगे। इनको जो है अभी तो कार्यालय घेरा, घर में घुस घुस के इनको बताएंगे, इनके मंत्रियों के घर में घुस घुस के बताएंगे, एक एक को बताएंगे। अगर लड़कियां नहीं मिली, वो लड़कियां किसी की इज्जत थी, किसी की आबरू थी, किसी की बेटी, किसी की बहन, हमने भी अपने बेटियां जनी है, हम लोगों को दर्द है, बेटी का अत्याचार हो रहा है। अगर 15 दिन के अंदर बेटियां ना हाजिर नहीं जितनी बोल लो तो हम लोग आज अपमान हो रहा है नारी का, नारी बचाओ का अपमान हो रहा है, नारी पिछवाओ कर।